Hi, hello, welcome to 10th Live Daily and welcome to Unacademy Foundation channel. So as you know that we are doing coordinate geometry and today is lecture number 6 of coordinate geometry. So as you know ki this is very important topic and last class mein humne section formula pe based questions kiye the. Toh aaj ki class mein hum karne wale hain. Kya karne wale hain? Aaj ki class mein hum area of triangle karne wale hain. So kuch bachche kahenge ki ma'am agar vertices di gayi ho toh hum distances nikal ke Heron's formula laga ke bhi area of triangle nikal sakte hain. Bilkul nikal sakte hain. Lekin hum usse kyun nikale? जब हमें डायरेक्ट मेथड है पता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है करने का तरीका वो भी सही है लेकिन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप 11 12th में एक अलग सेक्शन के फॉर्म में पढ़ते हो ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय टीम सीमा मैम इज टेकिंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विंध्या मैम इज टेकिंग फॉर बायोलॉजी एंड आई एम टेकिंग फॉर मैथमेटिक्स ऑन अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल अगर अभी तक आपने अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन आल्सो ओके सो चलो एंड आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू द टेलीग्राम ऐप अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है इंस्टॉल नहीं किया है तो जस्ट इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन वंस यू इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन आपको करना क्या होगा ये लिंक टाइप कर देना है ब्राउजर में जैसे ही आप ये लिंक ब्राउजर में टाइप करोगे आप अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल से कनेक्ट हो जाओगे आपके फाउंडेशन चैनल के सारे एजुकेटर्स वहां पे हैं सो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कोई सजेशन लेना है किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो सो फाउंडेशन चैनल के एजुकेटर्स नमो सर पारस सर समीर सर सारे एजुकेटर्स वहां पे हैं सो अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो जल्दी से ये काम कर लो ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट्स वहां की फैमिली में हो गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे सो जल्दी से ये काम करो और एज यू नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑन यूट्यूब बट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस इन अ पर्सनलाइज्ड वे लाइक आप चाहते हो कि आप टॉप एजुकेटर से पर्सनलाइज्ड में पढ़ो रेगुलर बेसिस पे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो आप टेस्ट में भी अपियर होना चाहते हो फॉर दैट यू कैन एक्सप्लोर द प्लस प्लेटफॉर्म सो देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी आपको सारा कुछ मिलेगा लेकिन प्लस प्लेटफॉर्म के कुछ अलग बेनिफिट्स हैं रेगुलर बेसिस पे वहां डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आपका टेस्ट सीरीज है आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं वेरियस एजुकेटर्स हैं सो आप किसी की भी क्लास में एक्सेस कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कोटा की फैकल्टी सो आप सबकी क्लासेस में भी ऐसा भी है कि आप सबकी क्लासेस में एक्सेस कर सकते हो सो कैसे करना है जस्ट अपना फोन उठाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो तो आपको पता ये भी चलेगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप नाउअडेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ यू क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो है ना सो जल्दी से जैसे ही आप ये इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल करोगे देन क्लिक ऑन द प्लस क्योंकि दिस इज अ प्लस बेनिफिट तो जब आप प्लस पे क्लिक करोगे सो प्लस पे क्लिक करने के बाद देयर आर वेरियस कैटेगरीज यू कैन सिलेक्ट योर कैटेगरी हमारे जो बच्चे 9 10th में अदर कैटेगरी इज फाउंडेशन एंड एनटीएससी हमारे जो बच्चे 11 12th में हैं जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कैटेगरी नीट है और जो बच्चे 12th के लिए सॉरी आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कैटेगरी आईटी जेई है सो बच्चे आप हमारे आप कुछ 9 10th के बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो दे कैन सिलेक्ट देयर कैटेगरी एज आईटी जेई एंड नीट इन क्लास 9th एंड 10th इटसेल्फ ओके अगर उनको लगता है कि उनका 9 10th पोर्शन बहुत ही अच्छा है तो अगर नहीं लगता है तो नहीं करना है क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो उस पर अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी सो उसके लिए आपको पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा ठीक है तो जब वंस यू इंस्टॉल योर फाउंडेशन then click on the get subscription once you click on the get subscription there are various plan you can go with any one there are 1 month plan 3 month 6 month 12 24 we recommend that if you are in 10th class go for 12 month and if you are 9th class go for 24 because these are already very affordable pehle se hi wo bahut affordable hai पहले से ही ऑलरेडी वो बहुत अफोर्डेबल है और साथ के साथ अगर इनमें आप अप्लाई कर देते हो फाउंडेशन लाइव कोड इन कैपिटल लेटर्स सो दिस इज द लव फ्रॉम आर टीम टू यू हमारी टीम की तरफ से आपके लिए प्यार है एज वेल एज यू विल गेट दैट 10% डिस्काउंट ऑल्सो सो आफ्टर डिस्काउंट प्राइजेस और भी अफोर्डेबल हो जाते हैं इफ यू आर थिंकिंग फॉर 12 मंथ तो 1300 समथिंग फॉर अ मंथ एंड इफ यू आर थिंकिंग फॉर 24,000 समथिंग फॉर अ मंथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल द क्लासेस ओके सो मल्टीपल कोर्सेज एंड मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर ओके एंड एक बार एक्सप्लोर जरूर करना है इसको ओके चलो स्टार्ट कर देते हैं हम टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो एज यू नो दैट हमने लास्ट क्लास पे सेक्शन फॉर्मूला ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम एंड के पार्ट में करेंगे ठीक है लेकिन आज की क्लास में हम करने वाले हैं होमवर्क डिस्कशन सबसे पहले जो दो क्वेश्चन दिए थे साथ के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ओके और उसके क्वेश्चन तो चलो So, क्या है शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आई थिंक सभी लोग करके आए होंगे कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट वही है जो इसका है तो लेट सपोज पी क्यू है सो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लिख लो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा देखते हैं 5 + 3/2 एंड 7 + 9/2 यानी कि 8/2
एंड 16/2 यानी कि 4.8 ये आ रहा है। अब यही मिड पॉइंट क्या ए और बी का भी आ रहा है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो मैं ए बी का मिड पॉइंट लिख लेती हूँ। तो मैंने लिखा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जब मैंने मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखा तो मेरे पास आएगा 8+0/2 एंड 6+10/2 यानी कि आने वाला है 4 एंड ये आने वाला 8। सो दोनों के मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो पूछा गया था वो हो गया ट्रू। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1 or 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल या बोर्ड्स के एग्जाम्स में। ओके चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। सो ध्यान से सुनना, हमने ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन तो किया था 3 इक्वल पार्ट, तो ये 4 इक्वल पार्ट है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक अगर पॉइंट ये है -4.0, 0.6, सो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ये। तो लेट सपोज दिस इज ए बी पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो आपको पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि अगर ये पॉइंट 4 इक्वल है तो ये वाला मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये 2 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो 2:2 का रेशियो बन रहा है ये, यानी कि 1:1 का रेशियो बन रहा है। सो ये मिड पॉइंट होगा ए और बी का, ठीक है। सो आपका जो क्यू पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट आएगा वो आ जाएगा -4+0/2 और 0+6/2 यानी कि -2.3। तो आपका क्यू पॉइंट ये आ गया है, क्लियर। अब देखो, अब जब ये क्यू पॉइंट ये आ गया है -2.3, तो अब ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है, तो पी ए और क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हो। सो जो पी हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए क्यू का। सो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे -4-2/2 एंड 0+3/2 यानी कि -6/2 यानी कि -3 एंड 3/2। सिंपल, समझ रहे हो मेरी बात को। सो ये आ जाएगा, और जो आर हो जाएगा वो क्यू और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो जो आर हो जाएगा वो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। सो मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू लिखोगे तो आएगा -2+0/2 एंड 3+6/2 यानी कि यहां से आ जाएगा -1 and 9/2। सिंपल, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप इसका सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते, तो ये एक पार्ट था और ये आपका 3 पार्ट था, तो इसका रेशियो लग जाता 1:3 और पी पॉइंट आ जाता, फिर क्यू पॉइंट मिड पॉइंट से आ जाता, फिर इसके लिए आप 3:1 का रेशियो निकाल देते, बट थोड़ा लेंथी हो जाता, तो क्यों करना है जब हमें मिड पॉइंट से डायरेक्टली मिल रहा है। तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि 4 इक्वल किए तो 4 इक्वल पार्ट में ये मिड पॉइंट, फिर इन दोनों का ये और इन दोनों का ये मिड पॉइंट, समझ आ गई बात। सो दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे कैसे भी ट्राई कर लो, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आप इसका इसमें 1:3 का रेशियो लगाओगे, इसके लिए 1:3 का रेशियो लगाओगे, तो यही पॉइंट आएगा जो पी आया है, कुछ चेंज नहीं होगा। चेक भी करवा देती हूं, जब 1:3 का रेशियो लगाओगे तो आपके पास आएगा 0-12/4 एंड फिर आएगा 6+0/4 यानी कि आएगा -3.3/2। सिमिलरली वाई के लिए, आर के लिए भी, समझ आ गई बात। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ये क्वेश्चन होमवर्क के थे, आई होप आप लोग करके भी आए होंगे, तो जो लोग नहीं करके आए होंगे उनको समझ भी आ गया होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे पे बेस्ड कई बार पॉलीगन का एरिया आता है, कई बार रॉम्बस का एरिया आ जाता है ना। तो अगर आपको वर्टिसेस पता है सो उनके एरियाज आप कैसे निकालोगे, सो वो हम आज सीखने वाले हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, मैं उसका प्रूफ भी आपको सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से चलो बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अभी हमने लिखा नहीं है, पहले हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, तो इसकी ये वर्टिसेस है, तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो दिया गया है लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे बताना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो मैं क्या कर देती हूँ, मुझे बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी के एरिया को, मतलब मैं यहां लिख देती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं इसको लिख सकती हूं कुछ अलग अलग पार्ट में, मैंने एक लाइन ये मिलाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये मिलाई, ठीक है। तो मैं इसको क्या क्या लिख सकती हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A1C1C। देखो ये एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की है, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, प्लस ऑफ परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए, एक्चुअली ये सारी की सारी लाइन आपकी परपेंडिकुलरली मैंने ड्रॉ की है इन पॉइंट से, क्लियर। अब देखो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया
plus of area of trapezium C C1 B B1 B. अब इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा, लेकिन मुझे ट्राइंगल चाहिए तो मैं इस ट्रेपेजियम को हटा देती हूँ, क्योंकि वन पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल करना है ना मुझे. सो माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर दिया मैंने ए बी बी वन ए ए वन, ये मैंने हटा दिया तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा. समझ में आ रही है बात? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है. तो मुझे अब इसके लिए निकालना है. तो अगर मैं इस ट्रेपेजियम के एरिया की बात करूं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि इसकी पैरेलल साइड्स क्या बनेंगी, ध्यान से देखना. सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या बनेगी, जल्दी से बताना. A1A प्लस C1C इनटू हाइट. हाइट में बात करूं तो A1C1 ये बनेगा, ठीक है. अच्छा, प्लस 1/2 इधर भी आएगा. अब इसके लिए वन ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, C C1 प्लस ऑफ BB1 इनटू हाइट यानी कि C1 B1. समझ रहे हो मेरी बात? माइनस ऑफ एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम, तो माइनस 1/2 ए सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ये और ये, यानी कि A1A प्लस B1B इनटू हाइट. हाइट यानी कि A1 B1. सिंपल, ठीक है, सिंपल. अब ध्यान से सारे डिस्टेंसेस पुट कर लेते हैं. सो A1A कितना है, A1A ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, Y1 है ना, ये डिस्टेंस देखो कितनी है, Y1 है ना पूरी की पूरी, समझ रहे हो. और C1 C2 C1 C और ये C1 कितनी है, Y3. तो ये मेरे पास बन रहा है 1/2 Y1 प्लस Y3, ये बन रहा है Y1 प्लस Y3. अब A1C1 कितना है, A1C1 कितना है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, X3, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, X1. सो ये बन जाएगा आपका X3 माइनस X1. समझ आ गई बात. क्योंकि A1C1 लिखना है प्लस, अच्छा 1/2 मैंने कॉमन कर दिया है अभी, ठीक है. अब देखते हैं C1 कितना है, C1 कितना है आपका Y3 प्लस BV1 कितना है Y2. सो ये आ जाएगा Y3 प्लस Y2 और C1V1 कितना है आपका, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है आपकी X2 और ये डिस्टेंस है X3. तो ये बन जाएगा X2 माइनस X3. समझ रहे हो, X2 माइनस X3. देखो C1 ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इससे पहले क्या लिखी थी, X3 माइनस X1, X3 माइनस X1, फिर हुआ X2 माइनस X3, X2 माइनस X3. समझ गए? अच्छा, इसके केस में क्या बनेगा, A1A कितना है, A1A फिर से अगेन आपके पास ये आने वाला है A1A Y1 प्लस B1B यानी कि Y2 और A1B1 कितना है, A1B1 डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ये पूरी डिस्टेंस है आपकी कितनी, X2 और ये डिस्टेंस कितनी है, X1. सो ये बनने वाला है X2 माइनस X1. ये पूरा बन गया है, समझ आ गई बात. सिर्फ डिस्टेंसेस लिखी है मैंने, अब सिंपल है मल्टीप्लाई कर देना है इसको, सिंप्लीफाई कर लेना है इसको, ठीक है. तो अब इसके लिए मैं दूसरे पेज पे मूव कर जाती हूँ, बट यहां से मुझे देखना पड़ेगा. तो एक काम कर लेते हैं, मैं सबसे पहले X3 उठा लेती हूँ और X3 के कोफिशियंट एक तरह एक पहले X1 ले लेती हूँ. चलो, तो जब मैं X1 लूंगी तो X1 के कोफिशियंट एक जगह लिख लेती हूँ, ठीक है. तो जैसे ही मैंने X1 लिया तो X1 के साथ ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है वो मुझे लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो मेरी बात? X1 के साथ ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है वो मुझे लिखना पड़ेगा. फिर जब मैं X2 लूंगी तो उसके साथ ब्रैकेट में क्या क्या आने वाला है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो ये सारे के सारे टर्म्स मैं लिख लेती हूँ. तो देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है. मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देती हूँ. अब इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेना. अच्छा, यहाँ पे आपका माइनस साइन है, ध्यान रखना है. तो हम इस एक्सप्रेशन को जब ओपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ आने वाला है देखो 1/2. मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा. तो मेरा यहाँ आने वाला है 1/2. अच्छा, यहां देखते हैं X1 जब मैं कॉमन करूंगी, जब मैं X1 बाहर कॉमन करूंगी तो ब्रैकेट में मेरा आने वाला है Y1 माइनस Y3. ये माइनस का हो जाएगा प्लस ऑफ Y1 प्लस ऑफ Y2, ये बन जाएगा. तो ये Y1 से Y1 कैंसिल हो जाएगा X1 के साथ, ठीक है. ऐसे ही जब मैं यहां पे Y1 लिखूंगी, मतलब X2 लिखूंगी, मैं यहां सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. हम एक भी नेक्स्ट पेज में भी बढ़ेंगे. या एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा ऊपर से लिख देती हूँ सो देट आप समझ पाओ आसानी से. यहां से लिख देती हूँ, जब मैं X1 कॉमन करूंगी
तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ समझा रही हूँ, लिखेंगे नेक्स्ट में, ध्यान से समझना, जब x1 कॉमन करेंगे तो आएगा माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री और यहाँ आएगा y1 प्लस y2, ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस y1 माइनस y3 माइनस प्लस ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ y2, ये आएगा, सो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा। फिर जब आप x2 कॉमन करोगे, अच्छा 1 बाई टू बाहर चली रहा है, जब आप x2 कॉमन करोगे तो जब आप x2 कॉमन करोगे तो यहां आएगा y3 माइनस y, मतलब y3 प्लस y2, और यहां से देखो x2 के साथ क्या आ रहा है, माइनस y1 माइनस y2, माइनस y1 माइनस y2, सो y2 से y2 कैंसिल हो गया, y3 माइनस y1 आएगा। अच्छा जब आप x3 कॉमन करोगे, जब आप x3 कॉमन करोगे तो x3 के साथ यहां क्या आने वाला, माइनस y3 माइनस y2, माइनस ऑफ y3 माइनस ऑफ y2, माइनस ऑफ y3 माइनस ऑफ y2, प्लस ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ y3, सो यहां से y3 कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y2 आएगा। तो यही तो हमें प्रूफ कर दिया, x1 के साथ बच रहा है y2 माइनस y3, x2 के साथ बच रहा है y3 माइनस y1, और x3 के साथ बच रहा है y1 माइनस y2। ओके, सो मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देती हूं क्या फॉर्मूला बन के आया है, कि 1 बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस ऑफ एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू वाई वन सॉरी एंड प्लस ऑफ एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये निकल के आया है, ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया है, मैंने आपको पॉइंट्स के फॉर्म में सिखाया। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैल्यू अंदर जो आई है ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, सो इसीलिए हम इसको मॉड की फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस ऑफ एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता देती हूं, इस मॉड का मतलब होता है कि जब अंदर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, अगर वो नेगेटिव आ भी जाए तो आपको उसको नेगेटिव साइन हटा के उसको पॉजिटिव कर देना है। ओके, जैसे कि अगर बाय चांस अंदर वाला एक्सप्रेशन कभी माइनस फाइव आया तो आपको माइनस साइन हटाना है, उसको फाइव कर देना है, समझ रहे हो। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, साइक्लिक है, साइक्लिक है, लाइक कैसे, आपने लिखा एक्स वन y1 बड़ी x1 x2 x3, यहां लिखा y1 y2 y3, तो जब x1 लोगे तो y2 माइनस y3 होगा, फिर जब x2 लोगे तो y3 माइनस y1 होगा, फिर जब x3 लोगे तो y1 माइनस y2 होगा, मतलब जो यहां आ रहा है वो अंदर नहीं आएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे ऐसे कर समझ सकते हो, समझ रहे हो। अगर 1 लिया तो दिस माइनस दिस, फिर टू लिया तो दिस माइनस दिस, फिर थ्री लिया तो दिस माइनस दिस, मतलब जिस पे एंड हो रहा है वही नेक्स्ट स्टार्ट होना है, जिस पे एंड होना है वही नेक्स्ट स्टार्ट होना है, समझ रहे हो। और x1 x2 x3 बाहर आना है, साइक्लिक की फॉर्म में याद कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया होगा एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, कैसे हमने प्रूफ किया है। चलो सो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर दिस, सो जिसकी वर्टिसेस 3, 2 माइनस 2, -3 एंड 2, 3 है, इसका एरिया बताना है आपको। सो अगर ये पॉइंट ए बी सी है, सो ये एक्स वन वाई वन है, ये आपका एक्स टू वाई टू है, और ये आपका एक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है। सो हमें इसका फॉर्मूला बताना है, तो मैं यहां लिख देती हूँ 1/2 मॉड एक्स वन यानी कि 3 माइनस 3 वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 वाई 3 माइनस वाई 1 3 माइनस 2 प्लस 2 2 + 3, समझ आ रहा है कैसे किया है? फिर से मैं फॉर्मूला यहां लिख के दिखा देती हूं आपको, 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस ऑफ एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस ऑफ एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। सिंपल, सारी वैल्यूज पुट करो, क्या किया, वाई टू कितना है माइनस थ्री, वाई थ्री कितना है थ्री, वाई थ्री कितना है थ्री, वाई टू कितना है टू, y1 कितना है, y1 कितना है 2, yes, और y2 कितना है माइनस 3, प्लस 3 हो जाएगा। एरिया निकालेंगे तो आएगा 1/2, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 6, माइनस का 18, माइनस ये आ जाएगा 1, 2 प्लस ऑफ 10, सो 1/2 माइनस 20 प्लस 10, यानी कि अंदर आ रहा है निगेटिव और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 × 10 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 यूनिट स्क्वायर, 5 यूनिट स्क्वायर, सॉरी
5 यूनिट स्क्वायर. समझ में आ गया? सिंपल. अगर अंदर नेगेटिव आए तो नेगेटिव साइन हटा देना. सिंपल. ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं. इफ द ट्रायंगल एबीसी आर द वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड की लेंथ पूछी गई है. ठीक है, तो आपको पता नहीं है कैसे निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और फिर ए से जब वर्टेक्स, ऐसे समझ लो, अगर ये ए पॉइंट ए है, बी है और सी है, तो इसकी लेंथ पूछी गई है. तो अगर आपको ये परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको आपको इसका एरिया निकाल दिया, तो उस एरिया को इक्वेट करा देंगे बेसी इंटू हाइट से. सो बीसी इंटू हाइट से इक्वेट करा के एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो. समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा. तो मेरे पास पॉइंट है 2, 4. मैं आपको इसीलिए ऐसे बता रही हूं, आप पॉइंट पहले लिख लो, फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो कभी गलत नहीं होगा. 1 अपॉन 2, 2, 1 माइनस 2, माइनस 3, 2 माइनस 4, प्लस 1, 4 माइनस 1. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है मैंने, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x1 x3 y1 माइनस y2. सिंपल, यानी कि 1 अपॉन 2, ये आ जा रहा है आपका माइनस 2, ये आ जा रहा है आपका 6, और ये आ जा रहा है आपका 3. समझ रहे हो? सो ये 1 अपॉन 2, ये बन जा रहा है 2 माइनस 3, यानी कि बन जा रहा है, ये बन जा रहा है माइनस 1 बाई 2. यस, नहीं नहीं नहीं, ये बन जा रहा है आपका माइनस 2 है, सो ये बन जा रहा है 5/2, क्योंकि प्लस आएगा बाहर 5/2 आ जाएगा. क्लियर? सो ये आपका एरिया आ जा रहा है यूनिट स्क्वायर. अब आपको एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, इसका अगर मैं एरिया लिखूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू बीसी इंटू, अगर मैं इसको डी बोल दूं, एडी, जो कि आपको एडी चाहिए. सो यहां तो आपको 5/2 पता चल चुका है, ले और बीसी आपको निकालना है, तो हम बीसी डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि मुझे दोनों पॉइंट्स पता है. बी मेरा -3.1 है और सी मेरा 1.2 है, तो आप बीसी डिस्टेंस निकाल दो. तो हम बीसी जब डिस्टेंस निकालेंगे, सो बीसी मेरा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2-1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1+3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 16, यानी कि रूट 17. क्लियर? अब बीसी निकल चुका है, तो 1 अपॉन 2 इंटू रूट 17 डिवाइडेड बाय रूट 17 इंटू एडी आपको चाहिए. समझ आ रही है बात क्या कह रही हूं मैं? समझ रही है? तो अब ये से ये कैंसिल हो गया. क्लियर? सो आपका जो AD आने वाला है वो आने वाला है 5√17, यानी कि अब आप इसको 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका सो ये आ जाएगा 5√17 डिवाइडेड बाय 17. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली है. तो ध्यान से 1 अपॉन 2 2 1 माइनस 2 ओके पॉइंट सही लिखे हैं, बिल्कुल ठीक लिखे हैं. -3 2-4 1 4-1 ठीक है. सो ये बन गया आपका 1-1 -1 × 2 -2 ये बन गया आपका -2, यही गलत हो गया, +6 है ये. -4 प्लस 2 किया तो ये +6 हो जाएगा, -2 बचेगा, +6 + 3 तो ये आपका बन जाएगा 9 9-2 गलत हो गया है ये पार्ट. तो एक बार इसको इरेज करके दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, ये तो सही निकल के आया, एरिया गलत हो गया, इसीलिए ये रूट के टर्म्स में आ रहा है. देखते हैं क्या आना चाहिए उसके बाद. ठीक है, तो जब ये हो गया तो हमने क्या किया, इसको +6 किया, तो -2 और ये बन गया आपका 9 तो ये बन गया +9 तो ये बन गया आपका 7/2 आएगा एरिया, 7/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है ना, और बाकी का देख लेते हैं, 3 आ रहा है, ठीक है, ये बन रहा है 2, 6 बन रहा है, ये बन रहा है -2, ठीक है, 9-2 7/2. अब देखो बीसी की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 2-1 और 1+3 16 √17 एरिया ऑफ ट्राइंगल 7/2 आ रहा है और ये 1/2 है इंटू बीसी रूट 17 ही आ रहा है और इंटू एडी चाहिए था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो एडी आपका आ जाएगा 7√17 डिवाइडेड बाई 17 यूनिट्स. और आपको अगर फिर से देखना है, अगर आपको फिर से देखना है तो आप बहुत ही सिंपल है, आपको एल्टीट्यूड फ्रॉम एडी वर्टेक्स ए चाहिए था ना, तो आपको बीसी तो निकालना ही पड़ेगा. समझ रहे हो मेरी बात? तो बीसी निकालने के लिए आपको बी और सी पॉइंट लेने पड़ेंगे. बी और सी पॉइंट लेने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रूट 17 ही आएगा बीसी, तो भाई बीसी तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 माइनस 1 आ रही है, 2 माइनस 1 आ रही है और 1 प्लस 3, 2 माइनस 1 यानी कि 1 और 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 स्क्वायर 16 हो गया और 1 स्क्वायर 1 हो गया यानी कि रूट 17। अच्छा एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एरिया के टर्म्स में 1 बाई 2, 2 क्या होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, 1 बाई 2 एक्स 1 वाई 2 माइनस वाई 3 प्लस एक्स 2 वाई 3 माइनस वाई 1 प्लस एक्स 3 वाई 1 माइनस वाई 2, ये फॉर्मूला होता है। सो आपका 1 माइनस 2 फिर आएगा आपका माइनस 3, 2 माइनस 4 फिर आएगा x3, x3 कितना है 1 और 4 माइनस 1, सिंपल क्लियर। फिर सारे पॉइंट्स, ये आ गया माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ये आ गया आपका 6 माइनस 6 प्लस 6 और ये आ गया आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 9, 9 माइनस 2 यानी कि 7, 7 बाई 2, 1 बाई 2 बाहर है और अंदर अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। और फिर हमने एरिया को इक्वेट करा दिया एरिया के, ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से। सो ये आपकी एल्टीट्यूड आ रही है, ये आपकी एल्टीट्यूड आ रही है। अब अगर आपको आंसर वेरीफाई भी करना है सो दिस इनटू दिस अगर आप करोगे, वो वाला इससे मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप, और 1, 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर 7 बाई 2 आ जाना चाहिए क्योंकि BC ये है AD है, तो एरिया जब आप लिखोगे तो 1 बाई 2 इंटू BC यानी कि रूट 17 आएगा इंटू 7 इंटू 17 आएगा डिवाइडेड बाई 17 आएगा, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 7 बाई 2 यूनिट भी आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 10। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिए गए हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स 3, 4 एंड 5, -2 दिया गया, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, सो PA इज इक्वल टू PB दिया गया, ठीक है, और एरिया ऑफ PAB दिया गया है 10, तो आपको A, x और y की वैल्यू बतानी है, तो एक दो दो रिलेशन है तो दो इक्वेशन बना लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि दो अननोन है तो दो रिलेशन चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, पहले तो PA इज इक्वल टू PB लिखना है और एक रिलेशन बनाना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 के इक्वल कर देना है और वहां से एक रिलेशन बनाना है, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता देनी है, क्लियर। तो जब आप पी ए इज इक्वल टू पी बी करोगे, आपको दिया गया है पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो आपको पता है कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी होगा, तो यहां से आपका आ जाएगा वाई माइनस 4 स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 5 स्क्वायर, एक रिलेशन यहां से x और y के टर्म्स में बनेगा और एक रिलेशन इसके एरिया से बनेगा, दैट इज 1 अपॉन 2। अगर मैं इन तीनों पॉइंट की बात करूं तो x 4 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस y प्लस 5 y माइनस 4 ये इक्वल टू 10, बस तो दो रिलेशन यहां से बनेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y बताना है, सिंपल है, आप एक बार ट्राई करना, होमवर्क के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूं, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसके डिस्कशन के साथ। आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है कि एक बार इससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जब मॉड का देखो अंदर की वैल्यू क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव ये तो हमें नहीं पता है, जब आपको मॉड के अंदर की वैल्यू निकालनी होती है तो आप दोनों साइन कंसिडर करते हो, जब आपको एरिया निकालना, देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता, लाइक अगर मैंने बोला कि मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 है, सो एक्स की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, एक्स तो निगेटिव माइनस 5 भी हो सकता है और एक्स की वैल्यू प्लस 5 भी हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात, तो जब आपको ये अंदर वाला वैल्यू निकालना है तब वो कुछ भी हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे आपको एक्स और वाई निकालना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसकी इक्वेशंस बनाओगे वो दो साइन के साथ बनाओगे, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव, तो मैं आपको इसके लिए इक्वेशन बना के दिखा देती हूं कि आपको कैसे बनानी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6x माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 मॉड साइन, क्लियर। तो ये मेरे पास बन गया 6x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 26 इज इक्वल टू 20। सो अब आप जब इसको हटाओगे तो सबसे पहले तो एक बार मॉड प्लस से हटाओगे, मतलब एक बार इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y
माइनस 26 इज इक्वल टू 20, और एक बार इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 20. सो दो इन दोनों इक्वेशंस को बनाना, इन दोनों एक बार जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो xy की वैल्यू एक आएगी, एक बार जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो x और y की एक और वैल्यू आएगी. क्योंकि बेटा देखो ये पूरा 20 है, बिल्कुल मैं मान रही हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, लेकिन मॉड के अंदर जो नंबर है अगर वो नंबर आपको निकालना है तो दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, समझ रहे हो? तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. मॉड के बाहर जो वैल्यू मिलने वाली है वो पॉजिटिव मिलने वाली है तो मुझे पता है, लेकिन जब मुझे अंदर के बाद अंदर वाली वैल्यू निकालनी होती है तो मैं दोनों साइन को कंसीडर करके निकालेंगे. ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करना, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद द डिस्कशन ऑफ दिस. देर आर फ्यू मोर क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एक ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं एक और है, एक ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए और एक ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए. ठीक है, सो इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इनको डिस्कस करना और ये सॉल्व करना, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना बेटा कि अगर कभी आपको ऐसा दिया जाए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 हो सकता है, और मतलब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसा भी हो सकता है इक्वल टू 20. तो इधर साइन ना लगा के मैं डायरेक्टली उधर साइन भेज देती हूँ, मतलब इसको हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 भी बोल सकते हैं. x प्लस वाई की वैल्यू अगर 20 है तो x प्लस वाई या तो 20 होगा या माइनस 20 होगा, मॉड की वजह से बाहर प्लस 20 आ रहा है. ठीक है, तो जब आपको अंदर वाली वैल्यूज निकालनी होती है तो हमेशा उनके लिए आप दोनों साइन लगाते हो, मॉड के बाहर पॉजिटिव मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, एंड आई थिंक आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा. ठीक है, कैसे हमने इसको प्रूफ किया है. चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइव कोड वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज. अगर हमारी टीम को आपको वीडियो मिलेगा तो हमारी टीम आपको वहां पे मैसेज करेगी. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एज यू नो दैट वी हैव दीज थ्री चैनल, सपोर्ट ऑल द थ्री चैनल. ओके, तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.